जालौन फिर एक नाबालिग लड़की हुई हवस का शिकार। दुष्कर्मी ने कट्टे की नोक पर किया बलात्कार। आन फान में परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के तहरीर पर मामले की जांच शुरू की, तो वहीं पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर बच्ची को चिकित्सालय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामला जनपद के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धनौरा कला का। रिपोर्ट राजकुमार दोहरे, ब्यूरो चीफ जालौन। हेलो, नाम बता। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सुहानी। सुहानी, ये जो आपके ताऊ ने आरोप लगाया यहाँ पे, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमने रात में ताला लगा दिया। मेरे मम्मी पापा तीन ही घर पे, मामा के यहाँ गए थे, नानी की तबीयत खराब थी तो मम्मी हमने घर पे ताला भी डाल दिया था। मैं दुआएं का ताला डरा था, जो उनको ताला तोड़ के मेरे बगल में पड़ोसी हैं जो उनका बंधु भी आए थे रात में, उनको ताला तोड़ के सीधे हमारे यहाँ आए। मेरी बहन लोग सब लोग पड़े थे तो हमारे ऊपर हमारे गले पे कट्टा रख के हमारा गला दबाने लगे हैंगे। गला दबाते फिर हमने कट्टा पकड़ने की कोशिश की तो हमारे हाथों में फलका हो गए। फिर उसने हमें पकड़ के घसीट के दूसरे कमरे में ले गए। मेरी बहन जोन में हम लोग पड़े थे, बाँ में सांकल लगा दी और दूसरे कमरों में ले गए। सो हमारे साथ गलत कर दिया उन्होंने। आपका नाम? कृपाराम प्रजापति जी। क्या हुआ है, आप आज कोतवाली क्यों आए? जी, मेरी रात में लगभग 12 बजे जी मेरी भतीजी और छोटे बच्चे थे, तीन और दो बच्चे, एक लड़की और छोटी वाली, तो ये सो रहे थे। लगभग 12 बजे ये घर में कूद गया। कौन पवन नाम का व्यक्ति है? पवन नाम का, पवन दुबे, बगल में मकान है उसका जी। और वो कट्टा लेके कूदा है और उसने छाती पे कट्टा रख दिया, छीना झपटी भी की, उसके साथ जबरदस्ती करके रेप किया है। इसके बाद वो दोबारा फिर आया लगभग 3-4 के बीच में जी, तो उसने फ़ोन लिया, फ़ोन छुड़ान छीनने की कोशिश की जी, नंबर लिया कि फ़ोन दे दो हमें, और जब वो चिल्लाए शोर मचाया तो ये भाग गया और बाहर से कुंडी बंद कर ली। इस तरीके से मतलब जो है बच्ची अकेली थी, तो इन्होंने बहुत गलत किया। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं पुलिस में, उच्च अधिकारी, उन्हें उचित न्याय दिलाएं, यही हम उनसे हमारी प्रार्थना है सबसे।